क्या कह रही है ये वैसे सही इतनी बनी है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ GCUF का जो हॉस्टल है उनके पर मंथ क्या ड्यूज़ हैं और पर सेमेस्टर आपको क्या पेमेंट करनी पड़ती है। अच्छा जी, अगर हम बात करें इनिशियल पेमेंट की, जब आप GC यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एडमिशन लेते हैं तो आपको अराउंड 21,000 जो है वो पे करना पड़ता है हॉस्टल के एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें इंक्लूड है 5,500 आपकी हॉस्टल और मेस की सिक्योरिटी जो कि आपको डिग्री की कंप्लीशन पे वापस मिल जाती है। उसके अलावा 3,000 आपका जो फर्स्ट मंथ का मेस चार्जेस होते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, और बाकी का जो है वो 13,000 आपका हॉस्टल रेंट का इसमें इंक्लूड है, जो कि टोटल मिला के 21,000 बन जाता है। ये होता है आपका फर्स्ट हॉस्टल का जो सेमेस्टर है उसकी पेमेंट। उसके बाद जब आप सेकंड सेमेस्टर या ऑनवर्ड पेमेंट करते हैं तो वो आपकी अराउंड 12,000 to 13,000 होती है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपकी मेस की सिक्योरिटी या हॉस्टल सिक्योरिटी इंक्लूड नहीं होती, इसमें जस्ट आपका हॉस्टल का जो रेंट है वही इंक्लूड होता है। तो इसके अलावा जो हम पर मंथ पे करते हैं वो हमारा मेस के जो चार्जेस हैं वो हैं 3,000, लेकिन इन केस किसी मंथ ईद की छुट्टियां आ रही हैं या ज़्यादा 10 to 15 days का हॉलीडे है तो उसमें आपका जो मेस है वो उसमें कंसेशन कर देते हैं, जो कि 1,500 to 2,300 तक आपको पे करना पड़ता है। अगर 10 days के लिए आप घर जा रहे हो तो आप 2,000 पे करते हो, एंड सो ऑन। वो वेरी करता है कि आप कितने दिन के हॉलीडेज़ पर जा रहे हो। जो आप 3,000 पे करते हैं हॉस्टल मेस का, इसमें आपको 2 times के लिए खाना मिलता है, जिसमें आपका लंच और डिनर इंक्लूड होता है। और खाने की जो वैरायटी है वो सब्जियों से लेके दाल और चिकन सब कुछ उसमें शामिल होता है। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि हॉस्टल मेस में क्या इंक्लूड है, हॉस्टल का क्या मेन्यू है, उसके बारे में रिव्यूज़ जानना चाहते हैं, देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी बैक विद द न्यू वीडियो जिसमें मैं आपको हॉस्टल के मेस के बारे में रिव्यूज़ दूंगी और आपको मेस की डिटेल्स दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं हॉस्टल रिलेटेड वो क्लियर हुए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।